नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दिए, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 30 दिन में 3 बड़े ग्रहण गंभीर हो सकते हैं परिणाम। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, ग्रहण के दौरान यह 10 काम तो कतई ना करे। दोस्तों विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक यह लोगों के हित के लिए ठीक नहीं होता है। ग्रहण किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता, इसके परिणाम भी शुभ कार्य नहीं होते। 5 जून से 5 जुलाई के मध्यम 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं, 2 चंद्र एवं 1 सूर्य ग्रहण। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग सैकड़ों वर्षों के बाद बन रहा है। 30 दिनों के भीतर 3 ग्रहण होने से महामारी एवं प्राकृतिक आपदा जैसी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण के परिणाम भी ज्योतिष के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष योग के मुताबिक 5 जून की रात 11:15 से तथा 6 जून की रात 2:34 तक ग्रहण रहेगा। दोस्तों ग्रहण के दौरान क्या ना करें। नंबर 1, निरन के सूतक काल में किसी भी सुनसान जगह या शमशान आदि जगह से बिल्कुल भी ना गुजरे, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां अत्यंत ही प्रभावी रहती है। ऐसे में उनकी शक्तियां बढ़ जाती है और आपको हानि पहुंचा सकती है। दोस्तों नंबर 2, ग्रहण के सूतक काल से ही गर्भवती महिलाओं को कुछ भी काटना नहीं चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार से सुई धागे का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में आपको घर के दरवाजे बंद कर एकांत में बैठ जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों नंबर 4, ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आपको सोना नहीं चाहिए। यह नियम बच्चों, बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए भी मान्य नहीं है। दोस्तों नंबर 5, ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी ना तोड़े। यदि आपको तुलसी का प्रयोग करना है तो आप ग्रहण के सूतक काल से पहले तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं। दोस्तों नंबर 6, ग्रहण का सूतक लगने पर भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। दोस्तों नंबर 7, ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद किसी भी प्रकार से मांस और मदिरा का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। दोस्तों नंबर 8, ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद शारीरिक संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके होने वाले बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 9, ग्रहण का सूतक लगने पर नंदी आंखों से बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी आंखें खराब हो सकती है। दोस्तों नंबर 10, ग्रहण का सूतक लगने पर किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, काम धंधा चौपट हो सकता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।